जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक फ्रेगमेंट को डाटा किस तरह से पास कर सकते हैं, और हमने ये भी बात की थी कि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एक एक्टिविटी को डाटा किस तरह से पास कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी को डाटा पास करने का प्रोसेस है, इट इज़ वेरी मच लाइक द फ्रेगमेंट, जिस तरह से हम फ्रेगमेंट को डाटा पास कर सकते हैं, सेम प्रोसेस के थ्रू एक्टिविटी को भी डाटा पास कर सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे एंड लेट्स सी कि हम एक एक्टिविटी को डाटा किस तरह से प्रोवाइड करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी गाइस, तो जिस तरह से हमने अपनी फ्रेगमेंट के अंदर डाटा को पास किया था, उस तरह से अभी हम देख लेते हैं कि हमने एक्टिविटी के अंदर किस तरह से डेटा को पास करना है। तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो बेसिक एक्टिविटीज हैं, वन इज द एक्टिविटी वन एंड द अदर वन इज एक्टिविटी टू। तो होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक्टिविटी वन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास एडिट टेक्स्ट है और एक हमारे पास बटन है, और हमारे पास जो एक्टिविटी टू है उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है बेसिक। तो हमने करना इस तरह से है कि एक्टिविटी वन में जब यूजर कोई मैसेज लिखेगा और बटन पे क्लिक करेगा, तो जो मैसेज उसने टाइप किया होगा वो हमने नेक्स्ट एक्टिविटी को पास करना है, और उस एक्टिविटी ने उसको रिसीव करके तो अपने पास उसको टेक्स्ट व्यू में शो करवाना है। तो इसके लिए जो हमने काम करना होगा वो काफी सारी चीजें फ्रेगमेंट की तरह ही हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक्टिविटी टू में जाएंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कि जिस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे कि हमने इस एक्टिविटी टू को क्या प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए जिस तरह से हमने फ्रेगमेंट में देखा था, हम एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेंगे और हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू इंस्टेंस का फंक्शन अगेन बना लेंगे, न्यू इंस्टेंस, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट पास कर लेंगे, इसको स्ट्रिंग कह लेंगे। और यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम हमने क्या किया था, जब हमने फ्रेगमेंट के अंदर डेटा को पास किया था तो हमने रिटर्न किया था फ्रेगमेंट की इंस्टेंस को, लेकिन यहाँ पे हम एक इंटेंट को रिटर्न करेंगे, क्योंकि जैसा कि अगर आपको याद हो जब हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था अपने किसी पुराने वीडियो के अंदर, तो वहां पे हमने इंटेंट के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि हम इंटेंट के थ्रू एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, तो हमें एक इंटेंट चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंटेंट बना लेंगे सबसे पहले, इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, और इंटेंट के अंदर अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक्टिविटी भी चाहिए थी, एक्टिविटी का इंस्टेंस, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस फंक्शन में एक्टिविटी भी पास कर लेंगे, और यहाँ पे हम बताएंगे के इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बताएंगे एक्टिविटी, और साथ हमने ये बताना है कि कौन सी क्लास के अंदर हमने कौन सी एक्टिविटी में हमने नेविगेट करना है, तो हमने उसका नाम बता देना है, और फिर हमने इंटेंट के अंदर पुट एक्स्ट्रा करना है जैसा कि हमने फ्रेगमेंट के लिए किया था। हम उसकी की बता देंगे, हम उसकी की होगी टेक्स्ट अंडरस्कोर की फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न इंटेंट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने एक न्यू इंस्टेंस का फंक्शन बना लिया, वहां पे डाटा को पास कर लिया, और इस डाटा को, ये जो डाटा आपको पास हुआ होगा, इसको रिसीव करने के लिए जिस तरह से हमने फ्रेगमेंट में ये काम किया था उसी तरह से हम करेंगे। उसमें फंक्शन एक दो डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले टॉप पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लें, लेटेनेंट वॉर, लेट इन इट की भी जरूरत नहीं है, बरल चले लेट इन इट कर लेते हैं, उसके साथ मैसेज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम स्ट्रिंग रख लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज इक्वल्स टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम जो हमने की रखी थी स्ट्रिंग की वो बता देंगे, और वो बताएंगे तो हमें जो इंटेंट में जो हमने स्ट्रिंग पास की होगी यहां से हमें वो उसकी वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और हमें इसको या हम इंटेंट कर सकते हैं या हम रिक्वायर इंटेंट, नो हमारे पास ये फंक्शन नहीं है तो हम इंटेंट ही कर लेते हैं, और हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो मैसेज हमें मिलेगा इंटेंट के अंदर वो हम सेव करवा लेंगे मैसेज के अंदर, और फिर हम सिंपली टीवी मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम मैसेज सेट कर देंगे। हम इसका सिंटेक्स चेंज कर लेते हैं,
तो हमने देखा कि हमने जिस तरह से फ्रेगमेंट किया था, इसी तरह से एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन बना लिया है, उसमें टेक्स्ट को पास कर लिया है, उस टेक्स्ट को रिट्रीव कर लिया है यूजिंग इंटेंट, और उसकी वैल्यू सेट कर दी है टेक्स्ट व्यू में। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी वन में, जहां पे हमने इस एक्टिविटी को इनिशियलाइज करना है। तो हमारे पास एक्टिविटी वन के अंदर दो चीजें हैं, एक बटन है, एक एडिट टेक्स्ट है। तो हमने क्या करना है कि बटन के क्लिक के ऊपर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑब्जेक्ट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऑन क्लिक लिसनर, और यहां पे हमें इसका फंक्शन ओवरराइड करना है विच इज इंप्लीमेंट करना है विच इज ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हमने नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि एक्टिविटी का फंक्शन है, एंड देन एक्टिविटी टू डॉट न्यू इंस्टेंस, यहाँ पे हम दिस पास कर देंगे और उसके साथ हम पास कर देंगे जो हमने एडिट टेक्स्ट में मैसेज लिखा होगा। तो उसके लिए हम ईटी मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर लेंगे, जैसे हमें जो मैसेज हमने एडिट टेक्स्ट में लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा और वो मैसेज अगली एक्टिविटी को पास ऑन हो जाएगा। तो हम अभी क्विकली अभी अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास क्या इसका आउटपुट आती है। जी तो हमारे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है, एक्टिविटी में हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है और एक एक बटन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और हम गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अगेन कर दूं और मैं गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करूं तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड अगेन क्लिक हो शो हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक्टिविटी में भी डाटा पास कर सकते हैं, और इसी तरह का प्रोसेस सेम ही है ऑलमोस्ट जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि जिसके थ्रू हम एक फ्रेगमेंट के अंदर डाटा पास कर सकते हैं। तो हम इसको अगर क्विकली रिवाइज कर लें तो सबसे पहले हमने जिस एक्टिविटी के अंदर हमने डाटा को रिसीव करना है, पहले वहां पे एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे, वहां पे डाटा को पास कर देंगे, उस फंक्शन के अंदर जो जो कीज के अंदर हमने डाटा को पास करना है, एंड देन उस डाटा को रिसीव कर लेंगे उस फंक्शन उस एक्टिविटी के ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर इंटेंट के थ्रू। अब की बताएंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे, उसको रिसीव करेंगे और उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। इस तरह से हम जितने मर्जी चाहें आर्ग्यूमेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको फ्रेगमेंट में बताया था, वो आप पास कर सकते हैं और हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करके तो डाटा को शो कर सकते हैं। जी तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा है कि हम एक एक्टिविटी को किस तरह से डाटा पास कर सकते हैं और उसको रिसीव करके हम उस डाटा को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप भी अपने पास इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक्टिविटी के अंदर एक इंटेंट के अंदर मल्टीपल डिफरेंट किस्म के डाटा को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी इंट को, स्ट्रिंग को, फ्लोट को, कैरेक्टर को, व्हाटएवर आप पास करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।